को तो पहले आप फिल्म में समझिए और एग्जाम्पल आपने देख लिया जनता की आवाज़, ये पिक्चर नहीं है, एक जागरूकता है। जो हो चुका वो वापस ला नहीं सकते, लेकिन ऐसा जेनोसाइड वापस नहीं होवे इसके लिए हर भारतवासी को देखना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। अगर हम एकत्र नहीं रहेंगे मधुमक्खी की तरह तो हमको ऐसा फिर जेनोसाइड देखना पड़ेगा। और उसकी आवाज़ आपने बड़े ज़ोरदार तरीके से हमारे जनता में से, कोई ये नेता नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, ये अपनी जनता की आत्मा की आवाज़ थी। और 30 साल तक छुपाया गया ये सत्य था जो आज आपको दिख रहा था। इसमें यासीन मलिक, वो गृह मंत्री के साथ लंच करता था, प्रधानमंत्री के साथ डिनर करता था, ये सवाल लोगों ने पूछना चाहिए, बड़े प्रेम से पूछना चाहिए, क्यों छुपाया गया उसको? जम्मू से दिल्ली विशेष प्लेन से क्यों लाया जाता था? जो इसमें तो कम संख्या बताई गई, उसने बताया था 200 के बाद मैंने गिनती नहीं गिनी है, ये 90% सच दिखाया गया है। और ये इसलिए दिखाया गया कि ऐसा जेनोसाइड फिर खड़ा ना हो, फिर न बढ़े, ये सबको जागृत होना है। ये हो चुका है, हम में से कोई वापस ला नहीं सकता, लेकिन न हो इसके लिए तो हम संकल्पबद्ध हो सकते हैं। आप कितने लोगों आज के जो टिकट दिए पिक्चर के, पिक्चर दिखाने का मकसद? सर मकसद ऐसा है कि कुछ भी आजकल पिक्चर जो देखते हैं उल्टा पुल्टा आता है और उसमें अपने संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और वो जो कश्मीर पंडित से अन्याय हुआ है उसके बारे में ये फिल्म ने काफ़ी कुछ उजागर किया है। माननीय प्रधानमंत्री साहब, अपने नरेंद्र मोदी जी ने भी संसद में उसका जिक्र किया है। तो हर एक भारतीय को ये जानना चाहिए कि हकीकत क्या है, कश्मीर क्या था, और हर एक को जानना चाहिए और उससे क्या हो जाएगा कि एक जागरूकता बढ़ जाएगी। तो इस करके ये बहुत अनिवार्य है कि हर एक हिंदू, हर एक भाई अपने देखे और क्या कश्मीर की रियल स्टोरी है उसके बारे में उजागर करने के लिए ये हम लोग ने मूवी रखा था। कितने लोगों को दिखाया? कितने मूवी लोगों को दिखाया आपने? सर ये 350 लोग ने आज देखा, फुल क्राउड पैक था। और आगे भी हमारे बहुत सारी डिमांड है सब लोग की, तो अगले वीक में भी हम लोग 300-400 और करेंगे, और आगे और डिमांड रहेगी तो और करते रहेंगे। ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान वासियों के सभ्यता की लड़ाई है। अगर एक सरकार लड़ नहीं सकती है, हम सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह से हम लोग को साथ मिलकर चलना चाहिए और हमको सरकार का साथ देना चाहिए। और जिस तरह से ये छुपाया गया था 30 साल से, इनको उजागर किया, नंगा किया है। ये जो झूठ फैलाते हैं, अपनी हिसाब से झूठ फैलाते हैं, उनको नंगा करना चाहिए। और ये सभ्यता की लड़ाई हमको चलानी चाहिए। और जहाँ जहाँ पर आज भी जो वंदे मातरम कहने से इतराते हैं, आज भी भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वैसे बंगाल में, केरला में, वहां भी जेनोसाइड होएगा। अगर आज जागरूक नहीं होगा तो 100 करोड़ हिंदू को जागरूक होना पड़ेगा और एक साथ लड़ना पड़ेगा। एक एक नहीं लड़ सकता है और बोलेगा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं चल सकता। हर एक को मोदी के साथ चलना पड़ेगा, हर एक को उनके साथ में रहना पड़ेगा। और ये सभ्यता की लड़ाई है, आज से ये शुरू हुई है, अब इसको खत्म हम करेंगे। थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की, के हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं जो अपने बाप की औलाद होकर भी पड़ोसी को पापा कहकर बुलाते हैं। काफी सालों से हम तो ये सब देखते आ रहे थे, संघ परिवार और भाजप ने एक कई बार लोगों को बताया, लेकिन किसी ने हमारी बात को माना नहीं, सुना नहीं। आज हमें खुशी है, हालांकि पिक्चर दिख के नहीं हुई खुशी, लेकिन इस बात को देख के खुशी हुई है कि आज जो पिक्चर के माध्यम से आज लोगों को बताया गया, अब लोग मानेंगे कि भाजप और संघ जो कहता था वो सही था। जिस तरह से कश्मीर में अत्याचार हुआ है, लोग नहीं मानते थे, आज जब लोग मानेंगे उसकी आज हमें खुशी है। कम से कम इस पिक्चर के माध्यम से 125 करोड़ की जनता जागरूक हो गई है, न सिर्फ 125 करोड़ की जनता, पूरे वर्ल्ड की जनता जो आज तक मिस किया गया है, लोगों को मिसगाइड किया गया है। अब लोगों को सही बात मानना पड़ेगी कि सही बात क्या थी, बस मुझे इतना कहना है। अब पिक्चर देखा हमने, हम तो बहुत पहले देख चुके थे, इसलिए हमारे लिए कुछ नई बात नहीं थी, लेकिन आम समाज जो नहीं मानते थे उनके लिए बहुत नई बात थी। हम तो 30 साल से हम इसके लिए फाइट कर रहे हैं, कश्मीरियों के लिए, और हम करते रहेंगे। नाल की जनता जो भी यह है और इसके और भी शो करेंगे ऐसा हम सोच रहे हैं, और आगे बढ़े, और हम सब भवेश भाई के साथ में, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये पिक्चर जनता को जागरूक करने के लिए काफी अच्छा था, और ऐसे मूवी और बनने चाहिए।
स्पेशली इंडिया की जनता को जागरूक करना काफ़ी ज़रूरी है अभी ये माहौल में।